जय श्रीमान। मैं एक्स सर्विसमैन सुधीर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैं भारतीय सेना की कोर ऑफ सिग्नल से 17 ईयर सर्विस करके अप्रैल 19 में रिटायर्ड हुआ था। रिटायरमेंट होने से लेकर के एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने की मेरी जर्नी और जो अनुभव रहे हैं मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। रिटायरमेंट के समय मेरा जो पढ़ाई का स्तर था वह बिलो एवरेज था, क्योंकि अपनी सर्विस के दौरान मैंने कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी नहीं की। अगस्त 19 में मैंने यूपी से प्राइमरी टीचर के लिए डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया, साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू की। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान बैंकिंग पर दिया, जिसमें मैं पहली साल में प्री एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था और दूसरी साल में मेंस एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाया। एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स भी मैंने दिए, इनमें भी मैं असफल रहा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फाइनल मेरिट से आउट हो गया था। 21 में यूपीएसआई के लिए 9534 पदों की वैकेंसी आई। इस एग्जाम में मैंने पार्टिसिपेट किया, साथ ही अपना डीएलएड कोर्स, यूपीटेट और सीटेट एग्जाम भी पास किए। यूपीएसआई 21 में मुझे सफलता मिली है, इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया है। यूपीएसआई में हमारे लगभग 370 एक्सर्शन भाइयों ने सिलेक्शन लिया है। मैं यूपीएसआई में सभी सेलेक्टेड भाई और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, यूपीएसआई में सिलेक्शन लेकर के मैंने कोई बड़ा अचीवमेंट कर लिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल में मैंने एक्सर्शन भाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। चाहे बिजनेस हो, चाहे प्राइवेट जॉब्स हो या सोशल वर्क हो, हर तरफ हमारे एक्सर्शन भाइयों का काम काबिले तारीफ है। बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की तो हमारे एक्सर्शन भाइयों ने सिविल सर्विसेज तक में अपना सिलेक्शन लिया है। काफ़ी भाई सिविल सर्विसेज के लिए अभी भी प्रयासरत हैं। ग्रुप सी पदों की बात करें तो हमारे एक्सर्शन भाई जनरल कट ऑफ्स को भी क्रॉस करते हैं हर साल एसएससी सीजीएल में होने वाले एग्जाम में। हमारे एक्सर्शन भाई इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स पोस्ट अचीव कर रहे हैं। हमें अपने उन भाइयों से काफ़ी कुछ सीखने और मोटिवेशन होने की ज़रूरत है। साथियों, अपने एग्जाम्स में पार्टिसिपेट के दौरान मेरी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही सेनाओं के सैनिक भाइयों से मुलाकात हुई है। मुझे काफ़ी खुशी हुई यह जान करके कि हमारे सैनिक भाई अपने फ्यूचर और कैरियर के प्रति काफ़ी जागरूक हैं। वे भाई अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, और सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं, अपने टारगेट एग्जाम में पार्टिसिपेट भी करते हैं, जिससे कि उनको अपने एग्जाम लेवल और कॉम्पिटिशन का काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाता है। वे भाई रिटायरमेंट से पहले ही अपने लिए गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लेते हैं। अगर किसी कारणवश रिटायरमेंट से पहले जॉब सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पहली साल में ही अपने लिए जॉब सिक्योर कर लेते हैं। मैं जागरूक नहीं था, इसलिए मुझे लगभग 4 साल लगे हैं एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने में। मेरे साथ रिटायर आए हुए काफ़ी भाई अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रयासरत हैं। 23 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं, आशा है सभी भाइयों को उनकी जॉब्स मिल जाएंगी। साथियों, मेरा यह भी अनुभव रहा है कि हमारे सैनिक भाई चाहे 17 ईयर सर्विस करके रिटायरमेंट लें या 24 या 28, बिजनेस और प्राइवेट जॉब्स के अलावा मेजोरिटी में हमारे सैनिक भाई गवर्नमेंट जॉब्स में अपना सेकंड करियर देखते हैं। हमारे साहब लोगों की भी रिटायरमेंट के समय एज काफ़ी हो जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे JCO साहिबान में भी काम करने के प्रति जोश और जुनून कम नहीं होता है। UPSI फिजिकल के दौरान मेरी सुबेदार प्रभात सिंह साहब से मुलाकात हुई। साहब ने और साहब के लड़के ने दोनों ने UPSI का एग्जाम साथ साथ दिया था। साहब का लड़का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, साहब ने अपना एग्जाम क्लियर कर दिया था। UPSI 4.8 किलोमीटर रन में जहां 20 और 22 साल के लड़के 28 मिनट में फेल हो रहे थे, वहीं साहब ने अपनी रनिंग बिफोर 25 मिनट कंप्लीट कर ली थी। वैसे तो साहब लोगों के पास मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, मैं उनको कोई भी सजेशन नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि अगर साहब लोग अपनी सर्विस के दौरान प्रिपरेशन करके बैंकिंग जॉब में सिलेक्शन ले लेते हैं, एक तो बैंकिंग में उनको सिटिंग जॉब में काम करने का मौका मिलेगा, दूसरा उनको लास्ट वेतन के हिसाब से पे प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे साहब लोग आने वाले 8 से 10 साल में अपने आप को इतना फाइनेंशियल मजबूत कर लेंगे जितना कि उन्होंने अपने आप को 28 से 30 साल में किया होगा। लेकिन बैंकिंग में लास्ट एज 50 है और कंपटीशन भी काफ़ी हाई है, इसलिए बैंकिंग के साथ साथ SSC CGL जैसे एग्जाम पर भी फोकस जरूर करें। साथियों, एक तरफ बैंकिंग और SSC CGL जैसे एग्जाम में एक्सर्शन कैटेगरी में काफ़ी कंपटीशन हाई है, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी एग्जाम्स में एक्सर्शन कैटेगरी खाली जाने के कारण दूसरी कैटेगरी के लोगों को अलॉट हो रही हैं। मैं UPSI की बात करूँ तो नोटिफिकेशन में 451 वैकेंसी थी, जिसमें से लगभग 370 वैकेंसी ही फेल हो पाई हैं। इसी तरह से हर साल होने वाले स्टेनोग्राफर्स की भी वैकेंसी
खाली जा रही हैं। रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सैनिक भाई बिजनेस प्लान करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मैंने भी देखा है कि हमारे काफ़ी एक्सर्सन भाई बिजनेस में काफ़ी सफल हैं, क्योंकि बिजनेस में इंडिपेंडेंट आप काम कर सकते हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ की भी लिमिट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। भगवान ना करे आप रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करें, उसमें कोई ऊंच नीच हो, तो आप स्विच कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। इस तरह से आपके द्वारा की गई प्रिपरेशन आपके लिए बैकअप का भी काम करेगी। साथियों, मेरे पास भी कोई विशेष योग्यता नहीं है, मैं भी काफ़ी एग्जाम्स में असफल हुआ हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो गलती मैंने की है, हमारे सैनिक भाई वो गलती ना करें। हमारे सैनिक भाई अपनी सर्विस के साथ साथ अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए प्रिपरेशन करें। मैं मानता हूँ आपके बिजी शेड्यूल के कारण आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन हमारे सैनिक भाइयों को मुश्किल रास्ते पर बखूबी चलना आता है, सिर्फ उनके सोचने की देरी है। तो आप अपनी सेवा के साथ साथ अपने फ्यूचर का भी प्लान जरूर करें। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चहेते सैनिक वेलफेयर न्यूज़ चैनल को भी, जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो से वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मौका दिया। साथ ही आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को हर सैनिक भाई तक जरूर पहुँचाएँ, जिससे वह अपने फ्यूचर के प्रति जागरूक हो सकें। आगे भी मैं सैनिक भाइयों को अपने अनुभव साझा करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।